Good morning, people. Good morning from the very beautiful Pangong Lake. आवाज थोड़ी दबी हुई लग रही है ना, मेरी हलक में इतनी मट्टी गई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। टाइम अपडेट 7:05। सुबह 5 बजे उठ के लेक पे जाने का मन तो था, पर यहाँ सुबह इतनी ठंड हो रही थी, 5 बजे उठ के देखा सनराइज भी ठीक से नहीं हुआ था, तो हम नहीं गए क्योंकि वहाँ जाके लाइट नहीं मिले तो फोटोज अच्छे नहीं आते। अब जो हम उठ गए हैं और यहाँ पे उजाला भी है तो आपको पैंगोंग लेक अच्छे से दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट करें अपन, थोड़ा सा पोहा और चाय, क्योंकि अभी पता नहीं नेक्स्ट स्टॉप कितना बजे होगा। आज अपन फर्स्ट स्टॉप लेने वाले लंच का डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं उससे पहले रुकने वाले दुर्बुक में रुकने वाले अपन, उसके बाद अपन रुकेंगे लंच के लिए जहाँ कल रुके थे, और आज अपन ठीक से मॉन्स्टर भी जाने वाले हैं। काफी कुछ है ठीक के मॉन्स्टर, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन काफी कुछ है आज भी, पर आज अपन ले जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आज शाम को ले मार्केट पहुंचाने का प्लान है हमारा। ले मार्केट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेने जो आपको बताना है। ऑल पीपल, गणपति बप्पा मोरिया, आज का ट्रिप जीरो कर देते हैं। ट्रिप हो गया जीरो, अराउंड 150-160 किलोमीटर की जर्नी है आज अपनी। और आज जो टेम्पो में गर्ल्स बैठी थी वो किसी बाइकर्स के पीछे बैठी है, मेरे पीछे भी आस्था बैठी है। आस्था से हेलो, मेरे पीछे आस्था बैठी है और कुछ बाइकर्स के पीछे गर्ल्स बैठी हैं ताकि उनको भी बाइक्स का एक्सपीरियंस मिल जाए। ये आज जो लड़कियां हमारे पीछे बैठी हैं बाइक्स के, उनको लद्दाख का मतलब आज पता चलेगा। टेम्पो में तो क्या ही लद्दाख देखा इन्होंने। एक बात तो है, लद्दाख की सड़कों पे आपने गाड़ी चला ली तो आपने कहीं भी गाड़ी चला ली। Here we go. आखिरी अलविदा पैंगोंग लेक। अरे तो सूख गया पूरा। हाँ यार, कल पानी था ना। अरे यार मजा आता था यार। एक और है ना क्रॉसिंग। नहीं यही है, यही था सबसे बड़ा यही था। बड़ा वाला तो यही। वो शाम तक वो लोग ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ना, तो शाम तक ज्यादा हो जाता है, रात में सब जम जाता है, तो सुबह इधर पानी नहीं मिलता है।
अरे पीपल, टाइम अपडेट 9:37। तुरबुक में रुके अपन, जहाँ पिछले बार रुके थे ना चाय वाय पीने के लिए, जस्ट उसके अपोजिट में रिफ्यूलिंग हो गई। यहाँ से सीधा चांगला चढ़ के रुकेंगे अपन खरूम लंच के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, आज बात 50 किलोमीटर की राइड है जैसे बताया था आपको। आपने पीछे ये बेटे चलो, योर हस्बैंड विल बी जेलस। पर एटलीस्ट खुश तो होगा ना कि मेरे सेफेस्ट ड्राइवर। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए। अपन खरू के आसपास कहीं पहुंच गए, किलोमीटर्स डन 114 किलोमीटर्स। मैडम का पहला 114 किलोमीटर्स था ऑन द बाइक, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? लव्ड इट, फर्स्ट टाइम ये इतना, अभी इसने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि ये पहली बार इतना दूर तक बाइक पे बैठी है। आई एम ग्लैड इसको मजा आया। अभी मंजिल 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर और एंड देन वी विल टेक अ लंच ब्रेक। जुड़े रहिए। प्लान में थोड़ा सा फेरबदल, टाइम अपडेट 1:48। तो जितना भी ग्रुप है उनको जाना है होटल, और मुझे तो मॉनेस्ट्री देखनी है। यहाँ तक आए तो ये तो मैं करके ही जाऊँगा, खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊँगा। होटल जाके वैसे भी कुछ नहीं करना मुझे। तो दो बाइक्स जा रही है, मैं और राणा बाइक चलाएंगे, और निधि और आस्था हमारे पीछे बैठेंगे। बाकी सारा लाइनअप जितना भी है सब वापस होटल जा रहा है, जहाँ पर हम पहले रुके थे, अल्पाइन स्टार अल्पाइन विला। जैसा आपको बताया प्लान में फिर बदल, बाकी के सारे हमको धोखा देके चले गए होटल। हम चार ही हैं जिनको खुजली है घूमने की, हम आए, लेकिन यहाँ तक आए तो फिर बिना देखे ना। अभी यही देखो, ये मेरे को मत देखो, ये देखो। पीपल, ये हमने टिकट ले लिया, 50 rupees ईच टिकट। वहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। बड़ा वाला पेड़ भी ले,
2 hours later. हाय दोस्तों, हम केसी हेयर ड्रेसर के पास है और यहाँ पे लद्दाख में शेविंग करी जा रही है. हेलो सर, आई वुड से हाय. अब लड़का निखर के आएगा बाहर. हाय पीपल, मार्केट में घूमते घूमते हमको एक सैलून मिल गया तो हमने अपनी सूरत सुधार ली. कुछ शॉर्ट्स पहले आपने देखा होगा, दिन भर से भी जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ दाढ़ी काफी बढ़ गई थी. 8 दिन से शेव नहीं किया था मैंने, तो मेरे को सैलून दिखा पटाख से जाके 10 मिनट में शेव करा लिया मैंने. अब मुझे अच्छा लग रहा है. अब अपन मार्केट घूमते और खाने का कुछ प्लान है, जैसा कैफे वैफे ऐसा कुछ, पर देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो कॉफी वॉफी पीएंगे. इधर पूरी पटाख भी खाई जा रहा है, जुड़ रहे नहीं. अरे पीपल, घंटे डाला कि ये देखो पास्ता मंगाया, ये मंचूरियन मंगाया जिसपे हमला हो चुका है, नूडल्स मंगाया और एक पास्ता भी मंगाया. इनकी हालत थोड़ी ख़राब थी इसलिए इनकी कॉफ़ी पहले आ गई. थैंक यू सो मच भैया. अभी ये खा पी के निपटा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी है मुझे. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. सी यू ऑल्सो इन द नेक्स्ट व्लॉग. अंटिल देन जुड़े रहिए. अभी नहीं. अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हस्ता ला वीस्ता, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रीम बिग. और पलटन जुड़े रहिए.